आज से 4-5 साल पहले मैं भी IT की फील्ड में था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने काम में लगे हुए, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि थोड़ा सा स्टडी करने का मौका मिला, थोड़ी सी आंखें खुली, तो हम तो नॉर्मल लाइफ में चल रहे थे। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम किधर चल रहे हैं। जब कुरान और हदीस को स्टडी करने की कोशिश की तो पता चला कि एक भी निशानी क़यामत की, एक भी निशानी जो बताई गई है अलामाते सुगरा, वो बाकी नहीं है, सारी की सारी हो चुकी हैं। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक निशानी के बारे में क्वेश्चन है तो मुझे भी बताएं। अव्वल तो मतलब जो मैंने स्टडी किया है मुझे तो तकरीबन सब ही मिली हैं। तो एक दिन एक साहब कहने लगे आप तो कह रहे हैं सारी हो गई हैं, पीले झंडे नहीं कहीं से निकले। तो मैंने कहा पीले झंडे तो वो राबिया अभी निकले थे मिस्र में, जब सदर मुर्सी को की हुकूमत उन्होंने गिराई थी तो वहाँ पे पीले झंडे राबिया का निशान उन्होंने बनाया था और बड़ी एहतजाज की थी, वहाँ से पीले झंडे निकले थे। फिर एक और साहब कहने लगे कि दुखान नहीं आई जी, धुआं होगा जो ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा। मैंने बताया कि दुखान तो अल्लाह वल्लाहु आलम, हम अकले कुल नहीं हैं, लेकिन देखें हमने तो वो देखना है कि जो हमारी समझ में बात आती है। आज से 7-8 साल पहले हम भी इसी पंजाब में रहते हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। धुंध ज़रूर होती थी, धुआं भी होता था, धुआं स्मॉग नहीं होता था कि वो पूरे लपेट में ले लेता है। धुआं तो ऐसे होता है ना दूर से नज़र आए, दुखान ऐसा है कि यक्षन नास, कुरान में अल्लाह ने फरमाया यौमता तिस्समाओ बि दुखान मुबीन यक्षन नासु हाजा अज़ाबुन अलीम। वो भी पूरा हो गया, फिर क्या रह गया? फिर उन्होंने कहा अरबों में शिरक आ जाएगा, वो तो नहीं आया। तो मैंने कहा मैं भी सोचता था नहीं आया, बल्कि जब मैं ये हदीस पढ़ा था तो मेरे जहन में ये था कि पता नहीं अरबों में शिरक पता नहीं कब आएगा। सबसे ज़्यादा कुरान हदीस वहाँ पढ़ा जाता है, हरमैन शरीफैन वहाँ पे हैं, इबादत वहाँ पे होती हैं, मसाजिद रमज़ान में वहाँ भरी हुई होती हैं, तो पता नहीं कब होगा। इत्तफाक़ की बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि हफ़्ता गुजरा होगा या कुछ, तो वो ख़बर आई कि वो उन्होंने UAE में मंदिर बनाया इतना बड़ा और बाकायदा नौज़ुबिल्ला उसकी पूजा करके उन्होंने उसकी इफ्तिताह किया। अजीब लगा कि इतनी जल्दी कि जब आप हदीस पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरबों में शिरक लौट आएगा, पता नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल बात लगती है। और हमने मतलब एक होता है सालों गुजर जाएं फिर भी बात है, वो उधर पड़ा उधर वो बात होगी। तो एक भी निशानी मुझे नहीं मिली, अगर किसी साहब को मिली है तो मुझे भी बताएं। इसका मतलब है अलामाते सुगरा सारी पूरी हो गई हैं, अब अलामाते कुबरा का वक्त है। पहली अलामाते कुबरा में से पहली क्या है? इमाम अल महदी का ज़ुहूर पहली अलामाते कुबरा में से पहली बड़ी निशानी है। दूसरी है दज्जाल का ज़ुहूर। तीसरी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से आना वापस। चौथी है याजूज माजूज। 4 ये निशानियां हैं क़यामत की अलामाते कुबरा। फिर 2 और निशानियां हैं, सूरज का मगरिब से निकलना और दाबत उल अर्ज़ का निकलना। कैटेगराइजेशन ये हदीस में नहीं है कि 4 निशानियाँ या 5 हैं, वैसे बताया गया है। इसको फिर उलमा ने अपने हिसाब से, जैसे मैंने पहले आपको बताई दुखान हो गया या मुख्तलिफ राबिया हो गए, पहली पीले झंडे हो गए, ये वो इनको अलामाते सुगरा कहा गया है, छोटी निशानियाँ। और ये जो अभी मैंने 4 आपको गिनवाई है ना, अलामाते कुबरा के तौर पे कैटेगराइज़ किया गया है। लेकिन ये जो बाकी 2 हैं मैं इनको अलामाते कुबरा में कैटेगराइज़ नहीं करता, मेरी अपनी एक कैटेगराइजेशन है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लम ने फरमाया कि जब दाबत उल अर्ज़ निकल आए या सूरज मगरिब से निकल आए फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। जो है जैसे है वैसे है, कोई नेक है नेक है, बद है बद है, काफिर है काफिर है, मुसलमान है मुसलमान, फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो 2 निशानियाँ ये क़यामत कायम होने के वाक़ियात हैं। वो तो एक किस्म की कायम हो गई ना क़यामत। तो जो निशानी तो वो है कि आप अलर्ट है, निशानी है भाई आने वाली है, तैयार हो जाएं। तो जब आ गई तो फिर तो ना तौबा है ना कुछ है, फिर तो निशानी ना हुई, फिर तो हो ही गई। जब तौबा ही नहीं कबूल उसके बाद आप कोई चेंज ही नहीं, एक्सेप्टेंस। तो इसलिए 4 निशानियाँ क़यामत कायम होने की हैं। उस वक्त तक फिर भी चांस होगा, इवन दज्जाल के आने के बाद भी चांस होगा अगर कोई तौबा करता है, अल्लाह तौफीक देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं, चांस है। याजूज मजूज आते हैं, चांस है। लेकिन उसके बाद दावत उल अर्ज़ निकल आया या सूरज मगरिब से निकल आया, फिर ख़त्म। तो अलामत सुगरा सारी पूरी हो गई, अलामत कुबरा का वक्त। और अलामत कुबरा में सबसे पहले इमामुल महदी का ज़हूर है। और मेरे भाइयों मेरे पास मतलब वो अज़ान देने वाली बात है कि वो मुअज़्ज़िन अज़ान देता है ना, वो कभी कई 1-2 बंदे आते हैं, कभी कोई भी नहीं आता। मेरे बस में नहीं है कि मैं चीख के बोलूँ किधर सो रहे हो किधर जा रहे हो। वो निकला और रोटी कपड़ा मकान से, और मेरी जॉब, मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरा प्लॉट नहीं। और पता नहीं क़यामत में, मैंने आप लोगों को हदीस सुनाई है, आंखें खोलें, और पता नहीं क़यामत में कितने साल रह गए, शायद हम पता नहीं अगली जनरेशन आए भी कि ना आए। और बाज़ लोग कहते हैं पता नहीं पागल है, सबको ऐसा लगता था क़यामत आने वाली है। नहीं, हदीस में आप वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि मेरी उम्मत को आधे दिन का वक्त तो दे ही देगा अल्लाह ताला। तो साहबा ने फरमाया आधे दिन से क्या मुराद है, तो आप सल्लम ने फरमाया 500 साल। और ये कुरान से भी साबित है कि अल्लाह के यहाँ एक दिन हमारे 1000 दिनों के बराबर होता है। तो अल्लामा सुयूती बहुत बड़े हदीस के मुफस्सिर गुजरे हैं। मैं लोग कहते हैं आप अल्लामा सुयूती के उस पर क्यों जा रहे हैं, मतलब जो मुफस्सिरीन गुजर चुके हैं हदीस के इंटरप्रिटेशन दे चुके हैं, अब मैंने नहीं तो नहीं देनी, अल्लाह माफ़ करे। तो अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इंटरप्रिटेशन में लिखा है कि इसका मतलब है कि एक दिन के बाद 1.5 दिन, यानी कि पिछली उम्मतों को किसी को 1 दिन मिला, किसी को आधा दिन मिला, किसी इस तरह, यानी किसी की उम्र 1000 साल हुई, किसी की 500 साल, मुख्तलिफ। तो उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि इसका मतलब है 1 दिन के बाद आधा दिन इस उम्मत के लिए, यानी बाकियों को अगर 1 दिन मिला है तो अल्लाह ताला इस उम्मत को आधा दिन मज़ीद दे देगा, बाकियों से ज़्यादा थोड़ी सी मोहलत दे देगा। तो 1500 साल हिजरी, ओ भाई किधर बैठे हम, 1443 ही है ना, तो गिनती का हिसाब लगा लें, 60 साल पूरे नहीं रहते। मैं नहीं कह रहा। तो इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 साल में ही आ जाएगी, यानी अल्लाह ताला ने अगर आधे दिन की मोहलत देनी है, अल्लाह की मर्ज़ी, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन समझने की बात है कि हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, गिरने लगे हैं नीचे, और देख पीछे जा रहे हैं, देख पीछे जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं।